हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme Narzo 20 के कीबोर्ड सेटिंग के बारे में। यदि आपके पास कोई भी Realme का फ़ोन है तो उसका अंत तक बने रहिए। यदि उसमें कीबोर्ड सेटिंग आप नहीं किए हैं तो जाकर जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कीबोर्ड सेटिंग कैसे करना है और इसका जो बैकग्राउंड कीबोर्ड का होता है उसमें अपना इमेज भी आप कैसे लगा सकते हैं। मैं इमेज भी लगा के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ व्हाट्सएप में ही चल के। व्हाट्सएप में जाने के बाद मान लीजिए एसएमएस द्वारा किसी से टाइपिंग करके आप बात करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत होती है कभी कभी कि आप कुछ लिखते हैं और कीबोर्ड से और ऑटो करेक्शन करके कोई और वर्ड वहाँ पे आ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका एसएमएस जो लिखे रहते हैं वो नहीं जाकर ऑटो करेक्शन वाला चला जाता है, जिससे आपका जो आप लिखना चाहते हैं वो नहीं जाकर दूसरा जाता है, जिससे आपको दिक्कत हो जाती है, यानी गलती एसएमएस फॉरवर्ड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कीबोर्ड का सेटिंग करना होगा। तो देख सकते हैं कि आप इस प्रकार भी टाइपिंग कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड में, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टेक्स्ट करेक्शन का ऑप्शन इसमें आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट करेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। टेक्स्ट करेक्शन के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से चालू हो जाएगा करेक्शन का ऑप्शन। करेक्शन का जितने भी यहाँ ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑटो करेक्शन, करेक्शन ऑटो, देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग। तो आपको क्या करना है कि करेक्शन ऑटो टाइपिंग का ऑप्शन है इसके नीचे जितने भी ऑप्शन इनेबल है सबको डिसेबल कर देना है। क्या करना है, एक एक करके सबको आपको डिसेबल कर देना है, जिससे क्या होगा कि कभी भी आप जो टाइपिंग करेंगे अपने कीबोर्ड में वही टाइपिंग होगा, वही एसएमएस फॉरवर्ड होगा, दूसरा चीज नहीं फॉरवर्ड होगा या कोई भी शोक यानी ऑटो करेक्शन नहीं होगा, जिससे आप बच सकते हैं। अब चलिए दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं जो आपको टाइपिंग करूंगा अब वही होगा, फालतू चीजें नहीं होंगी। तो आपको अब इसके बाद क्या करना है कि आपको दिखा देंगे इसके बैकग्राउंड में आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पुनः बैक करना होगा और देख सकते हैं कि आपको बैक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बैक जाइएगा और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर से सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहीं पर थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे चाहते हैं माई थीम, तो यदि आप अपना फोटो कोई भी लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे तो आप उस पर भी लगा सकते हैं और ऑनलाइन भी इमेज आपको बैकग्राउंड यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा यदि आप अपना गैलरी से अपना फोटो कीबोर्ड के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। तो ऐसे क्लिक करेंगे सारे गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपको इमेज लगाना है उसको लगा लीजिएगा, यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा, देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एडजस्टिंग ब्राइटनेस का। तो इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कितने पर आपको अच्छा लग रहा है आपका बैकग्राउंड का इमेज उतना पर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली एडजस्ट करके। उसके बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं नीचे। तो इसके बाद ही डन पर क्लिक कीजिएगा, डन पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए बैक करके मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि कीबोर्ड के बैकग्राउंड में जो मैंने इमेज लगाया था वो शो करने लगा। फिर चाहते हैं कि यदि कोई आपको सारा बैकग्राउंड चाहिए तो फिन थेम्स में जाकर यहाँ से बैकग्राउंड बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने बैकग्राउंड के कीबोर्ड को सेटिंग कर सकते हैं और बैकग्राउंड में अपना इमेज लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।